सो गाइस कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है भरत सेठी, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर और आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पैड जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कीपिंग पैड। सबसे पहले कीपिंग पैड मैं आपको सबसे बेसिक वर्जन दिखाता हूँ, वो है केकेआर का। सो जो केकेआर के पैड्स हैं वो आपको चीप एंड रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी जूनियर ग्रुप के लिए। सो जो केकेआर के पैड्स हैं इसमें आपको दो स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, जो कि आपको हर कीपिंग पैड में दो स्ट्रैप मिलेंगे। एंड अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो अपने बच्चे को स्टार्ट कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। बात कहती है CSK प्लेयर एडिशन, इसका स्ट्रैप बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड इसकी फोम भी बहुत मोटी है। एंड आप अगर इसका मटेरियल देखें तो ये वल्कनाइज्ड रबड़ है जो कि बहुत बढ़िया रहता है। एंड ये वैसे तो आजकल मून वॉकर पैड्स का इस्तेमाल होने लगे, लेकिन कीपिंग पैड्स में अभी तक वो चीज आई हमें दिखी नहीं है। सो ये वल्कनाइज्ड रबड़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। बारी आती है हमारे बैटिंग पैड्स की एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इक्विपमेंट जो एक बैट्समैन को चाहिए। बेसिक क्वालिटी हमारी स्टार्ट होती है CSK PU से एंड इसके हम देखें तो तीन स्ट्रैप होते हैं, दो नीचे के चौड़े एंड एक नीचे का पतला। इसमें पैडिंग इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन वही अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत। आपको लो रेंज में दिखाना चाहता हूँ तो ये BDM के पैड्स हैं। BDM के पैड्स में प्रोटेक्शन आपको अच्छी मिलती है, BDM के पैड्स में आपको प्रोटेक्शन अच्छी मिलती है, लेकिन मुझे BDM के पैड इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है। लाइक आप देखें तो इसमें जो बनावट है ये बिल्कुल पैर की बनावट के हिसाब से नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये आप काफी चीप रेंज में काफी चीप रेट्स में मिल सकते हैं। तो अगर आपको चीप रेट्स में पैड्स चाहिए तो आप BDM SG Nexus नीचे ठीक है। तो हमारे SG Nexus की बात करते हैं, ये भी लो रेंज क्रिकेट पैड्स हैं एंड इसके ऊपर की SG Test जो आपको पता ही होगा, आप लोगों की मेरे ख्याल से फेवरेट होगी पैड्स की रेंज, जो कि मैं आपको कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि वो पहले से सबकी फेवरेट है। पैड देखें तो हमें बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन इसमें देख सकने को मिलता है कि ये तीनों पतले स्ट्रैप्स हैं एंड इस साइड प्रोटेक्शन भी कुछ ज्यादा नहीं। तो अगर हम स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो स्टार्टिंग रेंज वाले जैसे मैं बात करूं तो ये पैड्स आपको 700 से 1000 तक की रेंज में मिल जाएंगे। और अगर मैं इनको रेट की बात करूं तो मेरे लिए CS पॉलिश नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पर आता है मेरे पास SG Nexus एंड थर्ड नंबर पर BDM। अगर हम इनकी प्राइस बात करें तो BDM आपको पड़ेगा 900 रुपीज़ का, SG Nexus भी आपको पड़ेगा 900 रुपीज़ का एंड CS पैड्स आपको ये वाला पड़ जाएगा 700 रुपए। CS में अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो CS प्लेटिनो मैं रेकमेंड करूंगा, ये आपको तीनों साइजेस में मिल जाएगा, बॉयज यूथ एंड मेंस में। CS प्लेटिनो लाइक जो एकेडमी टाइप एकेडमी प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसमें देखिए फोम नेटेड फोम है एंड इसकी प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छी है। CS है कॉलेज, इसको मैं देखूं तो इसमें एक छोटा स्ट्रैप है नीचे, जो कि अजीब बात है क्योंकि नॉर्मली नीचे चौड़ा स्ट्रैप होता है, लेकिन ठीक है मे बी ये प्लेयर की कंफर्ट के लिए बनाया होगा कि अलग प्लेयर्स को अलग टाइप की चीजें पसंद होती हैं। अगर मैं इसकी क्वालिटी कंपेयर करना चाहूँ तो ये CS के प्लेटिनो से थोड़ा नीचे है, लेकिन CS के कॉलेज से बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपको दिखाना चाहूंगा CS के प्लेटिनो प्लस, मैंने आपको अभी CS के प्लेटिनो दिखाए तो इसका एक ऊपर वाला मॉडल है CS प्लेटिनो प्लस। इसमें वही दो चौड़े नीचे स्ट्रैप एक पतला स्ट्रैप एंड देखें तो नी में इस पे अच्छी पैडनेस मुझे लग रही है CS प्लेटिनो से ज्यादा। तो अब हम मिड रेंज पैड्स की बात करते हैं तो मिड रेंज पैड्स में हमारे पास है CS प्लेटिनो, CS प्लेटिनो प्लस एंड हॉन्ट्स B52। तो इसमें अगर मैं रेट करना चाहूँ तो ऑफकोर्स प्लेटिनो प्लस ज्यादा बेटर है, लेकिन इसकी प्राइस भी ऑफकोर्स 1400 रुपीज में है। इसके बाद में सेकेंड नंबर में आपको दूंगा CS के प्लेटिनो, हॉन्ट्स से ज्यादा अच्छे हैं एंड इनकी प्राइस है 1200 एंड हॉन्ट्स 52 थर्ड नंबर पे, लेकिन मैं इन्हें भी बहुत अच्छा प्रेफर करता हूँ। सो इनकी इसकी प्राइस है 1200 रुपीज। सो हॉन्ट्स के B52 के बात करते हैं, हॉन्ट्स के ऊपर वाले मॉडल की हॉन्ट्स RDX एंड ये पैड मुझे बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि इनका डिजाइन तो एक बहुत प्यारा है और ऊपर से जो मैं आपको जो वल्कनाइज्ड रबर दिखाना चाहता हूँ जिसमें बिल्कुल भार नहीं होता लेकिन बॉल पैच प्रोटेक्शन काफी अच्छा देती है। सो इसके वही दो चौड़े स्ट्रैप एंड एक छोटा स्ट्रैप, अगर देखें तो हमें नी पे ज्यादा इसको पैडेड नी लग रही है, थोड़ी ज्यादा मोटी है,
साइडों में हमें थोड़ा फोम कम देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसे रेट करना चाहूंगा तो मैं इसे सीएस के टेस्ट ओपनर से नीचे लेकिन सीएस के प्लेटिनो से ऊपर मानूंगा। तो आप देख ही सकते हैं कि साइड में हमें बहुत ज्यादा प्यारी मोटी प्रोटेक्शन मिल रही है एंड इसके नीचे भी देखिए हमें बहुत अच्छी फोम बेस्ड प्रोटेक्शन मिल रही है। नी पे ऐसा ज्यादा कुछ गार्ड नहीं है क्योंकि ये पैड को ज्यादा भारी नहीं बनाना चाहते थे और इन्होंने साइडों में एक्स्ट्रा कर दी है, वही दो चौड़े स्ट्रैप एक पतला स्ट्रैप ऊपर। एंड वल्कनाइज रबर इसका बहुत कमाल की क्वालिटी का है, फ्लेक्सिबल है लेकिन स्टिफ है जो कि अच्छी बात है। इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी प्यारी लगती है। जो भी टेस्ट पॉलिश के बाद आते हैं सीएस के टेस्ट ओपनर्स लाइक इसको मैं दिखाऊं तो ये देखने से ही जबरदस्त लगते हैं। एंड अब इसकी देखिए, इसको मुझे ऐसा हाथ में लेके लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं हुआ। तो सीएस के जो टेस्ट ओपनर्स है वो आप समझ लीजिए आपकी एसजी के टेस्ट को, एसजी टेस्ट को बीट कर सकता है। ये इसकी इतनी प्यारी बनावट है, इसका वही वल्कनाइज रबर जो हिस्सा होता है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है लेकिन आपको प्रोटेक्शन बहुत अच्छी देगा। एंड इसके भी तीन स्ट्रैप्स हैं, वही दो चौड़े एक पतला। एंड ये बहुत बेस्ट रहता है अगर आप क्लब लगवाई आती है एमआरएफ के पैड्स की। हालांकि एमआरएफ के ये पैड्स कस्टम मेड पैड्स हैं लेकिन मैं आपको ये कस्टम मेड क्वालिटी भी दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो एमआरएफ के कस्टम पैड्स हैं ये भी काफी एसएस के टेस्ट पैड्स के मिलते जुलते पैड्स हैं। इसमें भी दो नीचे चौड़े स्ट्रैप एक पतला स्ट्रैप, इसमें भी साइड नी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है। बीच में मैं देख सकता हूँ कि हल्का सा इन्होंने फोम भी लगाया हुआ है नी प्रोटेक्शन के लिए जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ठीक है, तो अब हम हायर रेंज पैड्स के बारे में बात करते हैं। तो हायर रेंज पैड में सबसे बेस्ट मैं अगर आपको इन चारों में से बताना चाहूँ, हाउंड्स के आरडीएक्स, एसएस के टेस्ट ओपनर, सीएस के टेस्ट ओपनर एंड एमआरएफ के टेस्ट ओपनर्स एंड एसजी के टेस्ट ओपनर्स के बारे में, तो मैं सबसे टॉप ज्यादा रैंकिंग दूंगा एमआरएफ के पैड से सरप्राइजिंगली, जो कि कस्टम मेड है क्योंकि एमआरएफ कंपनी मतलब ये समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो अपना सामान थर्ड पार्टी के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन स्टिल एमआरएफ के टेस्ट ओपनर बहुत बेस्ट है। एंड सेकेंड नंबर पे हम देना चाहूंगा एसएस के टेस्ट ओपनर्स को। एसएस के टेस्ट ओपनर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे एंड सीएसए टेस्ट ओपनर्स उसके लाइक कंपैरिजन में मैं रहूंगा 19-20 भी नहीं 20-20 ही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैं देना चाहूंगा एसजी के टेस्ट ओपनर्स के बारे में जो कि सरप्राइजिंगली फेवरेट हैं लेकिन फिर भी वो इन दोनों को बीट नहीं कर पाए। एंड फिर मैं देना चाहूंगा अपना नंबर हॉन्ट्स को। हॉन्ट्स के भी पैड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा प्राइसिंग के मामले में अगर हम देखें तो दे आर ऑल्सो गुड, बट अगर हम इन चारों कंपेयर करें, इन पांचों कंपेयर करें तो हॉन्ट्स के पैड्स थोड़े से नीचे आ रहे हैं। लेकिन इनकी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये ऑलमोस्ट तीनों 2500 की रेंज में पड़ जाएंगे एंड आपको हॉन्ट्स सस्ते में 1800 रेंज में मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा एंड होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में हमें जल्दी मिल पाते।